गुड मॉर्निंग क्लास फोर। कल हमने आपको 5D के 6 सवाल दिए, 6 में मैंने आपको 4 करा के दिखा दिए थे। अब हम आगे के चलते हैं। आप परेशान ना हो, बड़ी बड़ी लिस्टें हैं तो कुछ हम करेंगे कुछ आप करें, लेकिन सीखोगे तभी काम बनेगा। जैसे 43 है, अब 43 की टेबल आपको तो पता नहीं है, जनरल नहीं पता होगा, तो मीन्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके करते हैं। अब जैसे देखो, हम 3 में देते हैं तो 3 में नहीं जाएगा, 36 में भी नहीं आएगा, तो 365 हो जाता है। कल हमने आपको एक पैटर्न कराया था कि किस प्रकार से बड़ी लिस्टों का हम कर सकते हैं। तो जैसे देखो, ये 4 है और एक नंबर यहाँ गायब किया, एक नंबर यहाँ भी गायब होता है, 36। तो 4 9 36, तो 9 पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 8 जाकर रूट करके देख लेंगे। तो हम 43 का इस तरह से 8 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, तो 24 आ गया, 10 on 2 हो गया। अब 8 4 32, 32 में 2 हम जोड़ देते हैं तो 34 आ जाता है। तो वो हमने 344 यहां लिख दिया। अब माइनस कर दिया तो 5 - 4 = 1, 6 - 4 = 2। अब ये 9 हमारा जो है वो नीचे उतर कर आ गया। अब हम देखते हैं 219 हो गया। अब फिर 4 की टेबल पढ़ लेते हैं, 4 5 = 20, तो 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसी तरह से जैसे किया है, जैसे 5 3 = 15, 10 on 1, 5 4 = 20, 20 में 1 जोड़ दिए, 21। अब माइनस कर दिया, 9 - 5 = 4, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, अभी उतर गया है 1। अब हम देख रहे हैं 43 और यहाँ 41, तो नहीं जाएगा, ये तो भी है हमारे पास। तो हम 43 का डिवाइड ऐसा पढ़े कि जो 41 से कम आए, तो हम 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 43 0 = 0 हो जाएगा और 41 रिमाइंडर आ गया। तो अब पर कोई डिजिट है नहीं हमारे पास, तो 850 कोएफिशिएंट हो गया और रिमाइंडर 41। ऐसे हम 24 का करते हैं, तो 24 3 = 72, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 4 = 12, 3 2 = 6 1 7, ठीक है। अब 72 में 0 आ गया, क्या 24 का डिवाइड 0 में। अब आप जो सोचो, दो जितने छुट्टी नहीं उतारेगी, एक ही एक उतरेगी एक बार में, 24 0 = 0, ये 0 से खत्म हो गया। अब आ गया 4, अब 4 में भी नहीं जा रहा, तो 24 0 = 0, तो मींस हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा 300 और रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन में। अब हम और आगे देखते हैं, अब जैसे 19 बार आप कर सकते हैं, 24 बार हमने कर लिया, 30 का कर सकते, 22 का, तो चलो 22 का देख लो। अब तो नहीं जाएगा, तो हम 3 तक पढ़ते हैं, तो 22 3 = 66, 2 3 = 6, 2 3 = 6, माइनस किया तो 20 आ गया। अब जैसे ही ये 5 आ गया, अब हम 2 टेबल से पढ़े, तो 22
नाइंजा कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने को, 9 2 18 10 1 9 2 18 1 19, तो आपके को 198 आ गया। तो हम 9 2 9 18 10 1 2 9 18 1 19, अब 5 में से 1 किया नहीं जाता, 15 में से 1 माइनस करा 7 या 9 रह गया, ओके। अब हमारे पास 4 आ गया। अब 22 की टेबल पर पड़े तो 22 3 जा पड़ा 66, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, 6 में से 6 गया 0, अब आ गया 2। फिर देखो 22 3 जा अब 12 माइनस 6 6 और यहां पे 7 1, अब नंबर खत्म हो गए, तो आपका आंसर आ गया 3 9 3 3 और रिमाइंडर है 16। इस तरह से हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो अब छोटी डिजिटों के हैं, आप अब कर सकते हैं, जो हमने आपको 4 सवाल कर दिए, 4 अब 3 आपको बचे हैं, तो जी आप करने के बाद एक्सरसाइज खत्म कर दें।